छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी डीलर संजीव जैन से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। मैं हूं संजीव जैन वेदांता प्रॉपर्टीज से। जी सर, आप प्रॉपर्टी डीलर में कितने साल से कार्य अनुभव है आपको? प्रॉपर्टी में हम लोग करीब 5 साल से काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी एक वेबसाइट है जिसमें हम रायपुर में जितने भी प्रॉपर्टी है उनकी फ्री लिस्टिंग देते हैं। प्लॉट हो, फ्लैट हो, डुप्लेक्स हो, बंगलो हो, किसी भी आदमी को रायपुर में या छत्तीसगढ़ में, रायपुर में यदि प्रॉपर्टी लेनी है तो वो सिर्फ सर्च करके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट से निकाल सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें कमीशन नहीं है। जो बिल्डर का रेट है वो उसमें मेंशन है। उसमें टेलीकॉलिंग सर्विस फ्री है, विजिट फ्री है, उसमें नंबर दिया हुआ है। आप फ्री में पूरी जानकारी हमारी टीम से ले सकते हैं। कोई भी किसी चीज का कॉस्ट नहीं है। फ्री लाना, छोड़ना, दिखाना से लेके विजिट से लेके निगोशिएशन तक हम इस कस्टमर की हेल्प करते हैं। इसमें हमारा विजन ये है कि हर क्लाइंट जो भी रायपुर में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, हम उसको एक सही एडवाइस कर पाए। 24/7 24 घंटे फ्री सर्विसेज हैं। टेलीकॉलिंग सर्विस फ्री है जिसमें वो जो टेलीकॉलर है वो आपको पूरी हेल्प करेगी कि वो उसको क्या चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए, क्या उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पूरा का पूरा हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। सर अभी जैसे बताया कि आपका अनुभव बताया कि मेरा 5 साल का है, तो इन 5 सालों में सर क्या क्या प्रोजेक्ट किए कुछ बता सकते हैं सर आप? इन 5 सालों में हमारे पास ऐश्वर्या ग्रुप का प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास अविनाश ग्रुप का है, सिंघानिया ग्रुप के प्रोजेक्ट्स, करीब सिंघानिया ग्रुप के 10 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा आरती ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं, प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट होने से क्या होता है, हमको फायदा कि आदमी को क्या चाहिए, उसको बजट क्या है, किस लोकेशन में उसको प्रॉपर्टी लेना चाहिए, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस लोकेशन से रिलेटेड या उस बजट से लेकर हम उसको मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं। बिल्डर के पास जाएगा तो बिल्डर अपने पास एक ही प्रोजेक्ट दिखाएगा। हमारे पास आने से ये फायदा है कि हम उसको उसी बजट के अंदर में 4-6 ऑप्शन और दे देते हैं और मार्केट रेट से कम। ये हमारी यूएसपी, और कोई कमीशन नहीं, कोई ब्रोकरेज नहीं, 0% ब्रोकरेज, ये हमारी यूएसपी। जब कोई कस्टमर आता है तो कस्टमर के डिमांड से बहुत सोचते रहते हैं कि मेरे को इस टाइप का घर चाहिए, मेरे को ये प्लाट चाहिए करके, तो किस क्या सजेशन दे पाते कस्टमर, कुछ बता पाएंगे हमको? हमारी टीम क्या करती है, पहले उसे समझती है कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि वो बंगला ले या फ्लैट ले, पर कई बार क्या होता है बजट मैच नहीं करता। हर आदमी को रायपुर में चाहिए कि शंकर नगर या अवंती विहार के पास भी घर चाहिए, पर बजट उसका 30 लाख है, 50 लाख है, तो भाई शंकर नगर के पास में नहीं मिलेगा। हम उसको एडवाइस करते हैं कि भैया शंकर नगर लगा हुआ खमाड़ी है, कचना एरिया है, वहां पे 25-30 लाख में प्लॉट मिल जाएगा। और प्लॉट में क्या होता है, अपने हिसाब से हम 6 महीने में घर बना के भी दे देते हैं, तो 20 लाख 25 लाख का प्लॉट हुआ, 20 लाख रुपए में उसका डुप्लेक्स, 25 लाख में डुप्लेक्स बन जाएगा, सिंगलेक्स बन जाएगा, 2 BHK 3 BHK, तो बजट के हिसाब से हम उसको ऑप्शन देते हैं बहुत सारे, और हम सजेस्ट करते हैं कि इस बजट में इसी लोकेशन में मिल पाएगा। यदि उसको कन्वीनियंट हो पाता है तो उस बजट में, या फिर हम दूसरे मल्टीपल ऑप्शन दे देते हैं उसको, जो यदि हम फिर हमारी टीम जज करती है कि भाई उनका ऑफिस वहां पे है, यदि उस लोकेशन से पास में है, तो हम फिर आपको आइडिया देते हैं कि सर यहां मत लीजिए, यहां लीजिए, क्योंकि वो आपको फिर बहुत लंबा रन हो जाएगा, बेमतलब का 10 किलोमीटर क्यों दूर ले रहे हैं। तो हम उसको आइडिया देते हैं कि भाई यदि आप टाटीबंध के पास में ऑफिस है तो आप कचना में मत लीजिए, आप टाटीबंध के आसपास, भाटा गांव के आसपास लीजिए, ताकि आपको कन्वीनियंट रहे 5 मिनट 10 मिनट में। तो ये हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ना लोगों का, इसलिए हम हमारे सक्सेस रेशो बहुत अच्छे हैं, हमारा कन्वर्जन रेशो बहुत अच्छा है। जैसे ही क्लाइंट हमारे पास आता है इतने ऑप्शन हम दे देते हैं ताकि उसको बहुत सारे ऑप्शन मिलने के कारण बजटेड, उसके बजट में, इसलिए कन्वर्जन हमारे यहाँ ज्यादा है। तो जैसे कि रायपुर अभी राजधानी है, तो इस फील्ड में जैसे कि नए लोगों के लिए क्या इसको भी कुछ बता सकते हैं सर आप? नए लोगों के लिए यहाँ पे ना बहुत ऑप्शन है। यदि कोई आदमी इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो क्योंकि उसकी पहचान उसके जिस शहर से या जिस गाँव से वो आया है, उसकी पहचान यहाँ पे काम आएगी। हमारी वेबसाइट में एक ब्रोकर वाला सिस्टम है, उसमें वो लॉग इन कर ले और अपने क्लाइंट को कुछ नहीं करना है, वो आए यहाँ पे हमारी टीम से बात करे और हमारी टीम बाकी पूरी हेल्प करेगी उसके, उस जो उसका क्लाइंट है उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ पे विजिट करानी है, क्या बजट है, पूरी टीम हमारी हेल्प करेगी उसको। सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लाइंट को, उसके क्लाइंट को हमारे यहाँ तक लाना है, तो बहुत अच्छा इसमें काम हो सकता है, बहुत पैसे बन सकते हैं, बहुत अच्छा कैरियर है। हम अपने स्कूल में भी लोगों के लिए सिखाते हैं कि कैसे कैरियर बनाना है रियल स्टेट में। हम यहाँ पे एक रियल्टर के लिए अलग से एक कोर्स बनाए हुए हैं जिसमें वो ज्वाइन कर सकता है, सीख सकता है कि लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं, एसएमएस कैंपेन से कैसे फायदा है, नए ग्राहक कैसे सीखे, ये हम सिखाते भी अपने क्लाइंट्स को।
रेरा के आने के बाद आपको क्या फैसिलिटी मिली, क्या सुविधा मिली, कुछ बता सकते हैं सर? क्योंकि जैसे मैं हूँ संजीव जैन, मैं एक रेरा रजिस्टर्ड हूँ प्रॉपर्टी एडवाइजर, तो इससे क्या होता है कि अब पहले क्या होता है, कोई भी ब्रोकर बन जाता था, कोई भी माल बेच दिया, किसी जमीन का पता नहीं है, कोई भी फेक कोई भी जमीन दिखा दिया, बेच दिया, पैसे लेके भाग गया। रेरा आने के बाद क्या होता है, पूरी चीजें सिस्टम में आ गई है, हर चीज पॉलिसी बन गई हर चीज की। अब कोई भी आदमी गलत कमिटमेंट नहीं कर सकता, हर चीज लिखित में रहती, वेबसाइट में डालना रहता है, हमारी हर चीज वेबसाइट में डली हुई, एक एक चीज, एक इंच की भी मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, नहीं तो रेरा मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकती। कोई भी बिल्डर, कोई भी ब्रोकर गलत एक भी या पैसे से संबंधित या प्लॉट से संबंधित कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता। इससे क्या हुआ, जो भी क्लाइंट है निर्भय होके आप आ सकते हैं। ब्रोकर से कोई साथ धोखाधड़ी करता है या सामने वाला जो कस्टमर उनकी जमीन को बेचता है तो उनका कमीशन कैसे रुक जाता है, कुछ बता सकते हैं? ऐसा कोई नियम बने हैं क्या उसमें? नियम बहुत ही क्लियर है रेरा में, यदि आप रेरा के नियम पढ़ेंगे वेबसाइट में जाके cgrera.in में हर चीज की क्लैरिटी है उस वेबसाइट में। मैं तो गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूंगा कि रेरा नियम आने से पूरे फ्रॉड खत्म हो गए हैं। कोई भी बिल्डर ब्रोकर का पैसा नहीं रोक सकता, कोई भी क्लाइंट ब्रोकर का पैसा नहीं रोक सकता, कोई भी क्लाइंट बिल्डर का पैसा नहीं रोक सकता, कोई भी बिल्डर कस्टमर का पैसा लेके कमिट करके काम रोक नहीं सकता, या उसको लिमिटेड टाइम में बनाना पड़ता है। इवन सबसे पहले वो वेबसाइट में अपलोड करता है, रेरा चेक करता है, बिल्डर कमिट करता है कि मैं इतने समय में ये काम करके दूंगा, जो ब्रोशर में लिखता है वो पूरा वेबसाइट में अपलोड करना पड़ता है, रेरा से अनुमति लेना पड़ता है, रेरा फिर उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर देता है। आप वेबसाइट में जाके, कोई भी क्लाइंट वेबसाइट में जाके रेरा की वो चेक कर सकता है, प्रोजेक्ट की क्या इन्फॉर्मेशन है, कहां तक पहुंचा है, कब कंप्लीट करके देगा। और यदि बिल्डर कंप्लीट करके नहीं देता तो कुछ नहीं करना है क्लाइंट को, वेबसाइट में जाए रेरा की और उसमें कंप्लेंट डाल दे कि मैंने यहाँ पे ये प्लॉट लिया है या ये फ्लैट लिया है और बिल्डर ने मुझे कमिट किया था और वो दे नहीं पा रहा है, कुछ नहीं करना है। रेरा वाले वहां पे जाएंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो बिल्डर भी सेफ है, क्लाइंट भी सेफ है, ब्रोकर रियल्टर सब सेफ हो गए। सर मैंने देखा है कि आप यहाँ पर आया तो आपका रियल एस्टेट के साथ रियल स्कूल का भी कुछ काम है आपका, तो कुछ अनुभव बता सकते हैं आप उसके बारे में? इसमें क्या हुआ है कि जैसे रियल्टर या ब्रोकर आते थे पर वो ऑर्गेनाइज नहीं थे, कोई कहीं भी काम कर रहा है, उनको कोई हेल्प नहीं मिलती थी, नया ग्राहक कहाँ से ढूंढे, क्या करें, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बाहर से इतने लोग आ रहे हैं, माल खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, पर कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई एक प्रोसेस या पॉलिसी नहीं है। तो हमने क्या किया कि जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं कॉलेज से और वो रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, तो हमने कोर्स डिजाइन किया रियल्टर्स के लिए, और वहां पे हम यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे लीड जनरेशन करें, कैसे नए ग्राहक ढूंढें, कैसे कैंपेन करें जिससे आपको नए लोग जुड़ते रहें, कैसे हम बिल्डर से अप्रोच करें। हम यहाँ पे पूरा एक सिस्टम बना दिए हैं कि बिल्डर से भी हम अप्रोच करा देते हैं रियल्टर्स का, ब्रोकर का, और कस्टमर भी कैसे ढूंढना है वो भी बता देते, पूरी की पूरी चीज स्ट्रीमलाइन हो गई है, सिस्टम बना दिया। आप आइए, नए ग्राहक को लेके आइए, बिल्डर से मिलाइए, प्रोजेक्ट दिखाइए, विजिट कराइए और माल बेचिए, बहुत इजी सिस्टम है। सर क्लाइंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, बता सकते हैं? क्लाइंट के लिए मेरा सजेशन है कि सिर्फ और सिर्फ रेरा रजिस्टर प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करिए। यदि आपको जमीन खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है, सपनों का घर बनाना है, तो आप सबसे पहले चेक करिए वो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है। आप कोई भी कच्ची प्लॉटिंग में घर ले लेंगे, मकान ले लेंगे और बाद में यदि कोई कार्रवाई होती है, आपने देखा भी होगा पेपरों में, पूरब टाइम्स में मैंने पढ़ा था कि रेरा ने बहुत सारी वो अवैध प्लॉटिंग को बैन कर दिया था, तो जितने इन्वेस्टर है उनका पैसा गया। तो आप कभी भी ना, जब भी पैसे लगाने हैं रेरा प्रोजेक्ट में ही अप्लाई करिए, वहां आपका एक पैसा भी और एक इंच जमीन भी कोई नहीं लेने वाला, कहीं पैसा डूबने वाला नहीं है, एक इंच भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। आपने पढ़ा होगा कि कब्जा हो गया जमीन में, कहीं आपने कहीं जमीन ली थी और 2 साल बाद वहां पे मंदिर बन गया, मस्जिद बन गई, या कोई लोगों ने घर बना लिया, यदि वो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है तो एक इंच भी 10 साल बाद भी आएंगे तो आपकी एक इंच जमीन नहीं जाने वाली। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पैसा लगाइए, हम बिल्कुल आपकी सेवा में हाजिर है। vedantadigital.com, vedantaproperties.com, property छत्तीसगढ़property.com हमारी वेबसाइट है, आप आइए विजिट करिए, पूरी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट पूरब टाइम्स।